जिन नीम हकीमों और झोला छाप डॉक्टरों को खतरा ए जान कहा जाता है, उन्हें इलाज करने का सर्टिफिकेट देने की तैयारी है। एक आम भोपाल की अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी कराएगी। इस कोर्स का नाम प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स रखा गया है। अखबार में छपे यूनिवर्सिटी के विज्ञापन में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। विज्ञापन में झोला छाप डॉक्टर को पीएम मोदी के रोजगार एवं स्वरोजगार के सपने से जोड़ा गया है। इस डिप्लोमा की फीस 24,000 रुपए रखी गई है। तो क्या कहता है यूनिवर्सिटी का इश्तिहार, पहले ये जानते हैं। झोला छाप डॉक्टरों को खास डिप्लोमा कराने के लिए यूनिवर्सिटी के इश्तिहार का मजमून भी देख लीजिए। इश्तिहार में लिखा है, आत्मनिर्भर भारत हेतु पात्र व्यक्ति नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर, ANM, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और वो सभी जो 12वीं पास हैं, प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करने हेतु पात्र हैं। आजतक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के VC रामदेव भारद्वाज से बात करके कोर्स के बारे में जाना। VC ने बताया, कोई भी व्यक्ति जो 12वीं पास है इस कोर्स को कर सकता है। इसमें एडमिशन ऑनलाइन होगा, इसकी परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। ये एक साल का कोर्स होगा। झोला छाप हो या कुछ भी हो, 12वीं पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है। इसमें झोला छाप का प्रश्न नहीं है। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, भले ही फिर वो कोई भी हो। वो निजी तौर पर काम क्या करता है उसका बैकग्राउंड हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए ज़रूरी है कि ये सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़े और उसके हिसाब से एग्ज़ाम दे। यदि कोई एग्ज़ाम में पास होगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। कांग्रेस की पिछली कमलनाथ सरकार में रोजगार के नाम पर गाय हाँकने और बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग के कोर्स भी आए थे। इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान सहित BJP के तमाम नेताओं ने जमकर मजाक उड़ाया था। अब शिवराज के सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार के अधीन आने वाले अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय के कोर्स पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, ये बेहद गंभीर और विवादास्पद मामला है। नीम हकीम और झोला छाप डॉक्टर किस तरह से इलाज करते हैं ये सब जानते हैं। पहले हमने कई बार सुना है कि किस तरह से झोला छाप डॉक्टर के इलाज के बाद कई लोगों की जान तक जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों BJP सरकार उन्हें कोर्स करवाकर सर्टिफिकेट देने जा रही है। अब जानते हैं कि क्यों बना था अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। दरअसल हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी माध्यम के हर विषय में शिक्षा के लिहाज से इस विश्वविद्यालय को बनाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मध्य प्रदेश की एकमात्र हिंदी यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2011 में की गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी हिंदी के क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाई जिसके लिए इसे बनाया गया था। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अमित, देखते रहिए दी ललन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले Facebook और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही Google Play Store पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।